छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अबे आज की औरत मर्दों से कई गुना आगे निकल चुकी है। अबे ये भी को खबर हुई? क्यों, ऐसा क्या है इस खबर में? ले मम्मी जी, ये तो खबर ही गलत है। भला बताएं, कभी औरत भी मर्दों से आगे निकली है? नहीं ना। अब जाहिर से बात है, आप हमारे घर में देख लीजिए, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। क्यों मामा? क्या देखने भाई घर में? यही कि कौन इस घर में आगे है और कामयाब है। मम्मी जी, वो तो हमें हालात ने मौका नहीं दिया, वरना हम भी कुछ करके दिखा देते। हाँ, है ना सुसर जी? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अच्छा, तो मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हें अगर मौका दिया जाए तो तुम कुछ कर सकते हो? कुछ ना कुछ तो करके जरूर दिखाएंगे भाई। अब सही है या गलत ये तो बाद में पता चलेगा भाई। नहीं ससुर जी, हम कुछ करके दिखाएंगे और बिल्कुल सही करके दिखाएंगे, कामयाब होके रहेंगे। अरे बस रहने दो बेटा, तुम लोगों के बस की बात नहीं है। ऐसी बात है ना, तो मौका देके देखें, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। क्या बोला लड्डू यार भाई? वैसे मामा बोल तो सही रहे, एक मौका तो देना चाहिए ना। हाँ अच्छा भाई, चलो दिया मौका। क्या सच? बिल्कुल सच मम्मी जी। ऑफिस का एक हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल करो, 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। सिर्फ 2 दिन? हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी घर का काम इससे ज्यादा रुक नहीं सकता। अरे पापा अच्छी बात है ना, मिल तो रहा है। चलो कल से ऑफिस चलेंगे ससुर जी। चलेंगे सही, लेकिन सिर्फ 2 दिन? कोई बात नहीं, 2 दिन में करेंगे ना। अबे यार लड्डू, चैलेंज तो कर दिया यार, अब हम करेंगे क्या? वही तो मैं सोच रहा हूँ ससुर जी। मम्मी जी के सामने इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार के आ गया मैं फालतू में। यार लड्डू पापा। अरे हनी, तुम ऑफिस में इस वक्त? सब ठीक है ना बेटा? हाँ ना, वो आप लोग घर में थे ही नहीं, घर में खाना कौन बनाता? मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा मैं ऑफिस आ जाऊँ, इस तरह आप लोग मुझे खाना भी खिला देंगे, मैं बैठ भी जाऊंगी, मेरी बोर भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई वाह, क्या ख्यालात है मेरी बेटी के। बाकी क्या ख्यालात? वैसे हनी, आपने इनका तारुफ नहीं करवाया? अरे ये ना मेरी सहेली है, मैं ऑफिस आ रही थी, इसके मेरे पास कॉल आई, वो इसका कोई बिजनेस है, कौन सा, वो कोई ब्यूटी क्रीम है, ये वो बेचती है, मैंने सोचा मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊँ, हम सब मिलके क्रीम बेचेंगे। वाह 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 वाह, 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 क्या बात है, क्या मशवरा दिया है। वैसे क्या नाम है आपकी ब्यूटी क्रीम का? हाजरा ब्यूटी क्रीम, 3632831। 3632831 जी, ये हमारा ट्रेडमार्क है। 3632831। अच्छा तो वो तो ठीक है, लेकिन नमूने का है जी? नमूने? नमूने तो हम लोग हैं सब। ये तो है हम सब। पापा लड्डू, उसे सैंपल्स बोलते हैं। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था, वो सैंपल्स कहाँ है? वो तो मैं नहीं लाई। ये अच्छा, अब अच्छा कोई बात नहीं, मैं काम करती हूँ, मेरे साथ जाती हूँ, जाके सैंपल्स लेकर आती हूँ। जब तक ना आप लोग काम करें, आप लोग प्लान करें कि हमें किस तरह ये बेचना है। हाँ ठीक है, काम करते हैं, तुम दोनों प्लानिंग करो और मैं प्लानिंग कर लेते हैं। पापा चुप, मैं ना पापा से बोलूंगी। चलो नहीं मनु, तुम पहले निकलो। चलो शाबाश। ओके बाय 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 बाय। हाँ ठीक है, मामा को बताऊंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ। मैंने कौन सी बात की यार, तुम फंसवाते हो मुझे यार। मैंने क्या कर दिया ऐसा? नमूने आएंगे, ब्यूटी क्रीम आएगी, आज का ब्यूटी क्रीम 3632831। हाँ तो ये 12 बोतलें तुम्हें पैक करके भिजवा देंगे हम, लेकिन हाँ पैकिंग के पैसे अलग होंगे, उनसे बता देना ठीक है। जाओ तानिया बेगम को बताओ। जाओ शाबाश, सही है। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम यार, तुम्हें यूँ काम करते देखकर बड़ी अपनायत सी महसूस होती है। शको शुबात नहीं है भाई, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। मेरा मतलब है शुक्रिया। अच्छा अच्छा शुक्रिया, तो फिर हमारी तरफ से भी शुक्रिया। अब बात यह है कि हम यहाँ एक नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो तुम्हें हमारे साथ रहना है। क्यों? सांस ने निकाल दिया क्या? मेरा मतलब है कौन सा काम? ब्यूटी क्रीम बनाने का।
क्रीम कौन सी क्रीम साहब? हाजरा ब्यूटी क्रीम साहब, मेरी है ना बहन है ना वो। ठीक है, मुझे पता है बहन है, उसके लिए चाहिए होगी, हम देंगे ये क्रीम, हाजरा ब्यूटी क्रीम हमारी बहन को हम देंगे, ठीक है? नहीं, बात वो कह दिया तुमको तो यार कि तुम में अपनाइयत नजर आती है, तो यार क्रीम हम देंगे तुम्हारी बहन को, यार खत्म हो गई ना बात, शादी होने वाली ना उसकी, वो हम देंगे बेफिक्र। लेकिन साहब मसला जो मैं मसला छोड़ो, जब कहा तो कह दिया ना यार, तो कह दिया शाबाश। अजीब बात है, एक गरीब की दूसरा फकीर की कोई सुनता ही नहीं है। हाँ यार, मैंने सोचा कि अपना कारोबार कर ही ले। अबे फिर कोई उल्टा सीधा धंधा तो नहीं शुरू कर दिया तूने? अरे कोई उल्टा काम नहीं है, बिल्कुल सीधा काम है, साफ सुथरा चकाचक। क्या सफाई का काम है क्या? हाँ, चेहरे की सफाई का। क्या मतलब? अरे मेरे बेवकूफ दोस्त, ब्यूटी क्रीम का काम है, ब्यूटी क्रीम का है। अच्छा, नाम क्या है ब्यूटी क्रीम का? क्रीम का नाम है हाजरा ब्यूटी क्रीम, 36-32 कड़ाके 900, पता नहीं कौन कौन सी ट्रेड मार्केट है उसकी। अबे ये कैसा नाम है? अबे ये नाम नहीं है, ये ट्रेड मार्केट का कोड है, कोड। अबे ट्रेड मार्क होता है, ट्रेड कोड मार्केट नहीं। अच्छा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अबे तू जाके तू सुजुकी लेकर आ जा, चल चल चल। सुजुकी? क्यों, कहीं पिकनिक पर जाना है क्या? अरे नहीं भाई। तो फिर क्या, कहीं देगे पहुंचानी है? अरे माल सप्लाई करना है। अभी से तूने माल भी तैयार कर लिया? अबे तू क्या मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया? चल जा यहाँ से, जल्दी से जा, सुजुकी लेकर आओ, माल सप्लाई करने की तैयारी का, खुद कुछ पैसे कमा ले, कुछ हमें भी कमाने दे। ठीक है मैं आता हूँ। अबे यार खुशबू तो बहुत अच्छी है, तो चीज भी अच्छी होगी भाई। नहीं ससुर जी, क्रीम की खुशबू सूंघ के हम उसकी क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं। हाँ? तो फिर क्या करोगे? हम कमेटी बैठेगी भाई, हम अपने लोगों पे तजर्बे करेंगे। अबे क्या मिसाइल है यार ये, तजर्बे करेंगे हम? अरे ससुर जी, एक बार ये क्रीम मार्केट में चल गई तो किसी मिसाइल से कम नहीं होगी। हाँ ये तो ठीक बात है, लेकिन तजुर्बे की क्या जरूरत है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप पर? क्रीम पे कैसे करूं? लड्डू क्या मतलब? अरे बेगम, क्रीम की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ ठीक है, वो सब सही है। तो ठीक है, चलिए चल के स्टाफ वालों को बता देते हैं कि इस क्रीम को इस्तेमाल करें, और सुबह हमें बताएं कैसे गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत हो गए। सर आइए चलते हैं। जी जी चलो चलो चलो, आइए क्रीमें भी साथ लाई। अरे ससुर जी क्रीम पकड़ो, आइए आइए चलो। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और उनकी बहनों। भाई क्या तकरीर करने आए हो यहाँ पर? इधर दो, इस तरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मेहरबान कदरदान मेरी जान, जो चीज आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसको देख के, इसको इस्तेमाल करके आप दंग रह जाएंगे, और अगर अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप तो भाइयों सबकी बहनों, आप लीजिए। क्या हो रहा है ये? मैडम गलती से आग लग गई थी मैडम। अरे मैं ये नहीं पूछ रही, मैं वो पूछ रही हूँ, वो जो लोग तकरीर सुन रहे हैं खड़े हुए, ये क्या हो रहा है? वो मंजन बिक रहा है। मंजन बिक रहा है? जी जी, मार्केट में नया मंजन लाए, उसकी बातचीत चली है। अच्छा अच्छा, भेजो इन्हें मेरे रूम में। जी अब देखे, ये जो है लगाइए, इसको तकरीबन 2 घंटे तक लगाते रहिए। सब बात तो सुन लो, लगानी ऐसे 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 पकड़े, ऐसे ऐसे लगाई करनी, ऐसे 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 आपको गर्दन भी रगड़ने की काली रहेगी, ये गोरा जाएगा। अरे कैसे भी रगड़ो, ऐसे रगड़ो वैसे रगड़ो, मैडम गुस्सा कर रही है। वो बाबा जी कहते ना, वो अलादीन का चिराग रगड़ो या मेकअप वाली औरत को रगड़ो, निकलता जी नहीं है। अंदर चलो, मैडम गुस्सा कर रही है, जल्दी आओ। काम है थोड़ा इसी। आओ चलो, आओ। क्या हो रहा था बाहर? वो हाथ धोती है वैसे।
अरे मैंने आप लोगों को अपना ऑफिस क्या दिया, आपने तो मेरे स्टाफ को ही काम पे लगा लिया। तो मामा इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी ये तो अच्छी बात है ना कि हम नया काम शुरू कर रहे हैं। हाँ मम्मी जी, नया काम करने में आप हमारा इतना तो साथ देंगी ना? हरगिज नहीं। तुम लोगों को जो खेलकूद करना हो ना अपनी हद में रह के करो। खेलकूद? क्या क्या हो गया बेगम? मैंने कह दिया ना, अरे कोई मजाक थोड़ी है, आप लोगों की जिम्मेदारी भी है मुझ पर। लेकिन मामा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन मम्मी जी बात तो सुनने हमारी, हम भी तो कुछ इससे पहले कि मैं ऑफिस खाली करवा लूं, जाइए यहाँ से। और सुने, अब मेरे स्टाफ को तंग मत कीजिएगा। ठीक है, चलो भाई। बात सुनो, वैसे नाम क्या रखा है मंजन का? मंजन? हाँ, वो मुझे स्वीपर ने बताया कि आप कोई मंजन वंजन बेच रहे हैं। अबे यार स्वीपर एक नंबर का जाहिल आदमी है वो। ओहो, आप तो बड़े डॉक्टर है ना जैसे, उसकी तालीम आपकी तालीम से बस एक आध साल ही कम होगी। मम्मी जी मुझे तो लगता है हफ्तों का ही फर्क होगा। वो मम्मी जी, वो हमने ना ब्यूटी क्रीम का काम शुरू किया है। ब्यूटी क्रीम? कौन सी ब्यूटी क्रीम? हाँ ब्यूटी क्रीम बेगम, 36 32 1,99,000। अरे 1,99,000 नहीं है ससुर जी, 36 32 831 है। हाँ। है ये क्या नाम हुआ भला, 36 32 831? बेगम कुछ भी हो है ब्यूटी क्रीम। हाँ ना, और मामा पता है क्या, मैं ये क्रीम घर लाऊंगी और हम दोनों मिलकर चेक करेंगे पक्का। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों को लगाना, बल्कि ऐसा करना कि गुलाम को ज्यादा लगाना। मामा मैं इन दोनों की बात नहीं कर रही, मैं हम दोनों की बात कर रही, मेरे पास समझ नहीं रही। बस बस जो भी काम है ना वो घर पर, यहाँ पर आप किसी को तंग नहीं करेंगे, जाइए। ठीक भाई, आजा। हाथ हो गई ऑफिस को, पता नहीं क्या बना दिया, मंजन बेच रहे हैं, ब्यूटी क्रीम में बेच रहे हैं। ये लो, और एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग। हाँ, जो काम अब तक तानी बेगम ने आपसे बोले हैं ना, वो आप बंद कर दें, बिल्कुल क्लोज कर दें। अब जो हमने काम बोले हैं ना, काम वो करने हैं आप लोगों ने, ठीक है? जाएं आप लोग। डिसमिस मीटिंग, मीटिंग डिसमिस, डिसमिस मीटिंग, डिसमिस मी, डिसमिस। लड्डू बहुत काम कर लिया हम लोगों ने। हाँ। अब हम लंच करेंगे यार, लंच करेंगे, चलो। अरे ससुर जी क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। जोरों की भूख लग रही है, जोरों की भूख। लेकिन यार खाना तो पहले बनाना पड़ेगा हमें, फिर ही तो खाएंगे ना यार। अरे क्या हो गया ससुर जी, आप क्यों भूल रहे हैं, हम लोग घर पे नहीं ऑफिस में। ओबे, ओबे, हाँ यार मैं भूल जाता हूँ हर बार यार। सुनो चलो घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। आओ डिंग टिंग 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 डिंग 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 टिंग टिंग टिंग, बंदा आएगा घंटी सुन के। जी साहब। अरे आपको नहीं कह रहा बैठ जाएं, अभी आएगा बंदा देखिएगा यहाँ से। बा 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 बा। अबे ओ भाई ओ, ये पूरे दफ्तर में तेरे अलावा कोई है ही नहीं क्या? वो मैं मैडम ने मुझे आप लोगों की ड्यूटी पे लगाया है। अच्छा अब तू आ ही गया ना, तो जल्दी से आके हमारे लिए खाना ले आ, चल जा। अरे बात सुन भाई, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? लाते गुचे जलालत, मेरा मतलब है जेब देख के सब मिलता है। अब वो बात सुन ना, अब ये लाते गुचे तू रख ले, हमारे लिए सब खाने के लिए, और उसका जो खर्चा है ना मम्मी जी के अकाउंट, नहीं मम्मी के खाते में डालते किस वक्त, अब तुम बस मम्मी जी के नाम पे लिख देना बस। सर मुझे आपसे बात करनी है। भाई बाद में बात कर लीजिए, पहले तू खा ले, मेरा फोन बज रहा है, चल चल जल्दी जा। हेलो, सर आप पारी गए, आप सुन ले मेरी बात। फारिग किसको बोला तूने? फारिग किसको बोला, किसको बोला फारिग? अबे हम तुझे फारिग नजर आ रहे हैं ना? हम कभी फारिग थे और ना कभी हम फारिग होंगे। स-
सर मेरी वालदा है ना। अबे वालदा तो वालदा ही होंगी ना, वालिद तो नहीं हो सकते ना वो। बोल क्या बोल रहा है, सुन जरा जल्दी बोलना क्या बोलना है। तो सर मैं कह रहा मेरी वालदा है ना वो। अच्छा भाई हो, ये तेरी दुख भरी दास्तान हम बाद में सुन लेंगे, अभी तू जा और हमारा काम कर दे भैया, भूख लगी है। और सुन जो भी लेके आएगा ना जो पैसे है ना वो तानी बेगम से ले लेना, ठीक है। चल अगर सर सुन लेते तो फायदा हो जाता। अबे जान है इसमें भी देर लगाएगा। अब सुन भाई नया सुजुकी जल्दी से माल रखवा दे, मुझे देखे भी छोड़ने जाना है। क्या बात कर रहा है यार, एक बार ब्यूटी क्रीम का कारोबार चल पड़े ना तो ये देख वगैरह जो है ना तू चुप करके भूल जाएगा। अच्छा क्या तुम्हें ऑर्डर मिल गया क्या? अबे कुछ ऑर्डर मिल गए, कुछ मिल रहे हैं और कुछ मिलते रहेंगे। हम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे और सबसे बड़े क्रीम बेचने वाले बन जाएंगे। मुझे कहाँ से सामान उठाना है और कहाँ लेकर जाना है? मेरी बात गौर से सुन। ठीक अब ला पैसे दे जल्दी से। पैसे? किस बात के पैसे? अरे भाई पेट्रोल के और किस बात के? अबे जिस जगह पे तू क्रीम का ऑर्डर देगा ना वो तुझे पैसे देंगे, उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे निकाल के पेट्रोल के पैसे बना लियो। मैं देख ले भाई पक्का ना दे देगा वो। अबे कारोबार कर रहे हैं कोई मजाक थोड़ी है। हाँ अच्छा चल ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अच्छा बात सुन पहुँच मुझे कॉल जरूर कर लेना। हाँ हाँ कर लूंगा मैं। सुन ज्यादा पैसे एंट्री कर लियो। चलो भाई ठीक है। ससुर जी शुक्र है हमारा पहला काम शुरू हो गया। अब काम शुरू हो गया और बताया भी नहीं मुझे यार तुमने। बताया तो था। क्या बताया? यही कि मेरा जो दोस्त है वो सुजुकी लेकर आ रहा है। अब सुजुकी लेके आ रहा है वो और ये बताया ही नहीं तुमने मुझे यार। क्यों? आपने सुजुकी का सुन के क्या करना था? अब यार सुजुकी आती कहीं पिकनिक पे निकल लेते हम लोग यार। सही कह रहे हैं। आपको पता है आपको ना वैन ड्राइवर होना चाहिए था। वो क्यों? दोनों की सोच बहुत मिलती है। अच्छा खैर तुम अपनी ये बेवकूफाना बातें जो है ना करो, मुझसे पैसे निकालो। किस बात के पैसे? अबे जो काम किया उसके पैसे निकालो यार। अरे सब्र रखे ना, जो मुनाफा आएगा तो पैसे भी दूंगा। लड्डू पापा आप लोग को पता क्या, मैं 10,000 के ऑर्डर लेकर आई हूँ। 10,000? ये तो कमाल कर दिया। अच्छा तो फिर आप लोगों को मेरी मार्केटिंग कैसी लगी? भाई क्या बात है भाई, उसे क्या कहते हैं सुपर से भी ऊपर। भाई वाह मजा आ गया। बिल्कुल ऐसा जैसे एक शॉट में छक्का। मगर पापा लड्डू वो ना उन लोगों की ना एक शर्त है। अब क्या रिश्ता दे रहे हैं वो जो शर्तें लगा रहे हैं? हाँ सही बात है, अभी तो हमारा काम शुरू भी नहीं हुआ, नया जुमा 4 दिन काम करते हुए काम अभी हमारा जमा भी नहीं है और उन्होंने शर्तें लगानी शुरू कर दी। अरे क्या लड्डू पहले सुन तो लो। वो उन लोगों ने ना ये एक क्रीम मंगवाई है सैंपल के तौर पे। ओह इतनी सी बात है, सैंपल भिजवाने? कोई बात नहीं मैं भिजवा दूँ। वो सब तो ठीक है मगर देखे कौन आएगा? हाँ नहीं 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 मैं देने नहीं जाऊंगा। ससुर जी आप क्यों फिक्र करते हैं, आपको थोड़ी कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है ना उसे बोल दूंगा ले जाएगा। हाँ अच्छा मैं जाती हूँ, मेरे पास बहुत काम है और बहुत सारे ऑर्डर्स लेने। हाँ अरे बात तो सुने ना आनी, वो आपकी जो दोस्त है ना क्रीम वाली, ये तुम्हारा क्या काम है उस दोस्त से? लड्डू नहीं नहीं हनी मैं तो ऐसी ससुर जी मिस डिसमिस। जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ पापा देख लीजिए इसको। जा 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 तुम, मैं तो खुद फंसने वाला था भी। बाल बाल बच गए। आप यहाँ क्या कर रही? फोन का इंतजार। किसके फोन का इंतजार? वो एक ऑर्डर आना था ना उसके लिए। अगर आपको फोन पे वैसे ही बात करनी हो तो मैं हाजिर। अच्छा सुने मुझे वो कुछ पैसे चाहिए थे
ऑर्डर दिया है ना? बिल्कुल मिल जाएंगे आपको पैसे। ए चपरासी, बात सुनो, इधर आ। जी सर। मैडम को जरा अकाउंट्स में ले जाइए और इन्हें पैसे दिलवाइए। जी मैडम, आप चले, मैं आता हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, आप मुझे यही मिल गए। मैं ये कहना चाह रहा था, ये क्रीम जो है ना, मेरी खा। अरे बस कर यार, तेरी खाला, अम्मी, फुप्पो सबके लिए, बल्कि तेरे घर में क्रीम का प्लांट लगवा देंगे, सारे खानदान को फ्री में दियो तो क्रीम। बस सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। आप मेरी बात तो पूरी सुने। अब बाद में बात करेंगे, अभी जाओ। बॉस लोग को तंग नहीं करते, चल। देखें ससुर जी, जितना भी कमीशन होगा उसमें 80% नहीं होगा। किधर है, किधर है क्रीम वाला? चाली क्रीम बेचते हो? ओ भाई क्यों शोर मचा रहा है, तू ही खड़े? क्या हो गया भाई? अच्छा तो ये हाजरा बीटी क्रीम तुम्हारी है? हाँ हाँ, मेरी है। हमारी है, मेरी भी है। तू भी फ्रॉड में शामिल है? फ्रॉड? फ्रॉड कैसा फ्रॉड भाई? ये देख, ये मेरी बहन है, इसने इस्तेमाल किए, इसका ये असर हो गया। बस चीखो मत, चीखे तो अब तुम्हारे ये महले वाले सुनेंगे, जब मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। आओ बहन। मिस यार देख भाई, ये क्या हो गया यार? हाँ चुचू बोल। अबे ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? अबे मेरी बात तो सुन ले। ये क्या हो रहा है यार? तेरी भी क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? बड़ी चारों तरफ से पापा लड्डू, ये देखो मुझे क्या हो गया। कौन कौन? मुझे ये क्रीम इसने बोली थी लगाने के लिए, मैं छोड़ूंगी। वो तुम्हारी दोस्त कहाँ गई? वो कहाँ है? भाग गई वो, उसके नंबर भी पहले फोन में, कब से उसे फोन करी, उसका मोबाइल भी ऑफ है। इसका भाग गई, भाग गई वो, भाग गई, भाग गई तुम्हारी दोस्त, भाग गई। लगा ली क्या? तभी से बात कर, मेरा मतलब है कि क्रीम। तुझे कैसे बात है कि ये क्रीम लगा चुकी है? मैं तो कब से बोल रहा हूँ, मेरी दादी ने, पुप्पी ने, चाची ने, खाला ने, ताई ने, सब ने ये क्रीम लगाई। इतनी खूबसूरत थी, मगर अब ऐसा लगता है जैसे कीनिया की बागात में पत्ती के पत्ते निकालती हो। यही बात तो सुबह से बताने जा रहा हूँ, मगर आप बोलते हो तेरी कृपे प्लांट लगा देंगे, तेरी बहन को क्रीम दे देंगे, टेंशन नहीं ले। बात तो सही कह रहा यार, कहा था मुझसे हम अपनी हनी की शादी इनसे कर रहे हैं। क्या भाई? माना कि तुम हमारे खानदानी नौकर हो, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम हमारे सर पे चढ़ जाओ। इस इंसान पे मुझे एक रुपए का एतबार नहीं। देखा, समझ तो गए होगे तुम लड्डू। मेरे पास ना एक बीवी थी, वो भी जालिमों ने छीन ली मुझसे। शराफत से निकालना या नहीं? डाकू मिक्स हो गए सारे यार, आप कैसे? ये लड्डू है? अरे वाह 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 वाह, भाई ही सारे काम करता है। भाई मतलब हनी जी, भैया मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।